बात के साथ इलाका प्रीमहान सुशील कुमारिया के नाम पर सामाजिक कारकुन मैं पहले बता चुका हूँ, जिन्होंने अपनी पापड़ से अपनी जेब से अमेरिकन यूनिवर्सिटी का इजरा अपनी ही जमीन पर खुद ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग पर बराबर किया है, जिसका अप्रैल में हो रहा है। ये मखदूम साहब पूरे प्रोजेक्ट के मुतलब भी आपको बताएंगे। तो मैं दावत दूंगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मखदूम सैयद नजर हुसैन शाह साहब को गवाए और अपने टीम की अल्फाज से हमें नवाजे। जनाब मखदूम नजर हुसैन शाह साहब इससे कबल के मैं अपने ख्याल का अदा करूं, मैं सबसे पहले हफीज असल और उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे यहां पे आज मौजूद किया। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो वो काम उन्होंने किया है पीर महल में, वो मेरे दोस्त ने जिस तरह कहा है वो वक्त का ताज़ा भी है और हमारी ज़रूरत भी है। आप इस बात का एहसास नहीं कर सकते जब तक आप अपनी सूरत हाल से नहीं निपटते। मैंने तकरीबन 27 ईयर्स यूएसए और यूके में गुजारे हैं। जब इंसान अपने मुल्क से बाहर होता है उन्हें पता या एहसास होता है कि अपने मुल्क से कांटेक्ट कैसे किया जाए। लिहाजा इनकी जो आज वेबसाइट का हिस्सा हमने किया है, इस वेबसाइट ने तमाम इस इलाके के लोगों को उन लोगों से मुंसलिक कर दिया है जो कई सालों से अपने मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। इससे सबसे बड़ी बात और भी है कि आज का जो दौर है वो हाई टेक्नोलॉजी का दौर है, एडवांस दौर है। आज वो मुल्क या वो ममालिक दुनिया में राज करेंगे या हुकूमत करेंगे जिन्होंने इल्म पे तवज्जो देनी है, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को एडवांस लेवल पे लेके जाना है। आज वो वक्त गुजर गया है जब तलवार का या घोड़ों से मुकाबला किया जाता था या जंग की जाती थी। आज जो जंग आपके पास रह गई है वो दिमाग की जंग है, नॉलेज की जंग है और इंफॉर्मेशन की जंग है। जो भी लोग जो कौम जो है इस जंग में दाखिल नहीं होंगी वो कौमें पीछे रह जाएंगी। लिहाजा हफीज असद साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ये तहे दिल से कहता हूँ कि उन्होंने कई भाग के इलाके में खसूसन ये कमालिया तहसील में एक ऐसी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की है जिससे आप दुनिया के साथ मुंसलिक हो गए हैं और अपनी सलाहियतों को आप उस हद तक उजागर कर सकते हैं जिसके आप मुस्तक हैं। इसके अलावा मैं मुख्तसर ये बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी अमेरिका और यूके में गुजारी है और वही यूके और अमेरिकन यूनिवर्सिटी से मैंने डिग्री ली है। लिहाजा जब मैं यूएसए में कॉलेज या डिग्री या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो मेरे दिल में ये हमेशा ख्वाहिश यही है कि मैंने अपने इलाके में जाके एक ऐसा तालीमी अदारा बनाना है जो मिसाली तालीमी अदारा होगा और इस इलाके के लोग जो हैं वो उससे मुस्तफीद होंगे। लिहाजा मैंने कमालिया में 160 तनाव पर अभी तक 4 करोड़ रुपया लगाकर वो अदारा जो वो बन रहा है वो जेर तामीर है, क्योंकि मेरे नज़दीक जब तक हम अपने नौजवान बच्चों को तालीम याफ्ता नहीं करेंगे हम ना तो अच्छे इंसान बन सकते हैं ना अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। देखो तालीम ही इंसान की पहचान है और तालीम ही इंसान का किरदार है। दुनिया में कोई भी मुल्क गरीब नहीं होता, दुनिया में कोई कौम गरीब नहीं होती, दुनिया में कोई बादशाह गरीब नहीं होता। अगर गुरबत है तो वो सिर्फ जहालत है। जब हम जहालत को दूर कर देंगे तो हम गरीब गुरबत में एक दरकनार हम दुनिया के बेहतरीन शहरी भी बनेंगे, बेहतरीन अच्छे इंसान भी बनेंगे। तो लिहाजा जो कुमारिया में यूनिवर्सिटी बन रही है वो यूनिवर्सिटी के तकरीबन 107 कमरे हैं, उसके अलावा उसका कैफेटेरिया है, मैरिट टीचर्स की अलग अकोमोडेशन है, सिंगल टीचर्स की अलग अकोमोडेशन है,
वहां पे जो प्रोफेसर आएंगे, आपने वेबसाइट देखी होगी, उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी कि वो अपने मुल्क से मुंसलिक हों। वो तकरीबन 40% प्रोफेसर जो कमालिया यूनिवर्सिटी में आपको तालीम और तदरीस की जिम्मेदारी निभाएंगे वो अमेरिका और यूके से आएंगे, ताकि इस इलाके के लोगों को मयारी तालीम दी जा सके। इसके अलावा वहाँ पे कैफेटेरिया हमने बनाया, शॉपिंग सेंटर बनाया है, लड़कियों के लिए अलग अलग उनकी क्लासरूम्स हैं, लड़कों के लिए अलग क्लासरूम्स हैं। तीन हिस्सों में यूनिवर्सिटी को तकसीम किया गया है। ए हिस्सा उसका उसकी प्राइमरी एजुकेशन होगा जो सिर्फ लड़कियों के लिए होगा, बी हिस्सा उसका बैचलर्स डिग्री के लिए होगा जो FAFSC के बाद 4 साल की डिग्री अवेलेबल होगी जो दुनिया के मुताबिक में होगी जो उसके कंपेरिजन, और सी मास्टर्स डिग्री हम अवेलेबल ऑफर करेंगे इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, इंजीनियरिंग में, और प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि हम वो डिग्रीज ऑफर करेंगे लाइक MBA, मास्टर इन अकाउंटिंग, मास्टर इन फाइनेंस और मास्टर इन बैंकिंग, जो डिग्रीज के बाद आपको पाकिस्तान मार्केट में और बल्कि इंटरनेशनली आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ये सारा इंस्टीट्यूशन जो है आप ऑन ग्राउंड हैं, अगर आप कोई अपने हमारे दोस्त जो है उसे विजिट करना चाहे तो दे आर मोस्ट वेलकम, और वहां पे विजिट करें, कबाड़ी में देखें। ये कोई विजनरी काम नहीं है, ये ऑन ग्राउंड रियलिटी अवेलेबल है आपके पास, आप चेक करें जाके। मैंने यूनिवर्सिटी की तरफ तकरीबन 8 साल का अर्सा गुजारा है, 8 साल लगाए हैं, और यूनिवर्सिटी की एक एक टीम और एक एक चीज मैंने खुद खरीदी है। क्यों? कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मरने से पहले मैं ये अपनी जिंदगी में ये काम कर रही हूँ, ऐसा इंस्टीट्यूशन तालीमी इंस्टीट्यूशन छोड़ दूँ इस इलाके के लिए जिससे तमाम इलाके के लोग जो मुस्तफीद होंगे। और दूसरी बात, जानबाज साहब ने यह भी कहा है कि पॉलिटिकली मैं थोड़ा सा एक्टिव हूँ, पॉलिटिक्स जो है वो मेरा एरिया नहीं है, इसलिए कि पॉलिटिकल प्रोसेस पे जिस पर्सनालिटी की शख्सियत को हम लोगों को जरूरत है वो मैं जरूरियात को पूरा नहीं करता, वो इसलिए कि मैंने जोर नहीं बोलना, मैं मुनाफत नहीं करूंगा, मैंने किसी का हक तलफी नहीं करनी, मैंने अदालतों पे चक्कर नहीं लगा रहे, मैंने थाने के काम नहीं करने, मैंने फातिखाने पे नहीं जाना, मैंने शादी पे नहीं जाना, तो ये सारे एंटी पोलिटिकल एक्टिविटीज हैं। इन लिहाज से कोई बंदा मुझे वोट देने के लिए तैयार नहीं है। आप सोचते होंगे कि अगर आप वोट लेने के लिए तैयार नहीं आए तो आप क्या करने आए। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, वो मकसद ये है कि कमालिया तहसील में एजुकेशनल रेवोल्यूशन आना चाहिए, कमालिया तहसील के जराए के मुताबिक 60% अनएम्प्लॉयमेंट कम होनी चाहिए, क्योंकि मैंने डिग्री अमेरिका से इकोनॉमिक्स में ली है, लॉ में डिग्री मैंने अमेरिका से ली है, मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी का क्वालिफाइड हूँ, मैं प्रेम शादी कॉलेज का नहीं पढ़ा हुआ कि मुझे पता नहीं है कि एक जो हमारी तहसील है इस ये कितनी स्ट्रॉन्ग और कितनी एसेटफुल तहसील है, इसमें हर आदमी जो है वो एम्प्लॉयड हो सकता है अपने रिसोर्सेज से, हमें वर्ल्ड बैंक से, हमें इंटरनेशनल किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक रुपया लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि हमारे पास ज़राए मौजूद है, हमारे पास दुनिया की बेहतरीन ज़मीन मौजूद है, हमारे पास पानी मौजूद है, हमारे पास अल्लाह ताला ने चारों मौसम दिए हैं, हमारे पास इंसानी कुव्वत मौजूद है। अगर हम इनको सिर्फ ऑर्गेनाइज कर लें पढ़े लिखे तरीके से तो मेरा भी ख्याल तहसील कमालिया कोई बंदा जो है वो बेरोजगार रह सकता है। ए काम जो है वो तहसील कमालिया में एजुकेशन रेवोल्यूशन लेके आना, बी काम जो है इसकी अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना है, सी काम यह है कि हमने इंसानी मुआशरे की इंसानों की तरह अपनी तहसील में रहना है, वो इंसानी मुआशरा की तारीफ ये है कि हमने साफ सुथरा माहौल क्रिएट करना है, हमने अपनी तहसील में गंदगी को फारिग करना है, और जब तक आप गंदगी को फारिग नहीं करेंगे, आप तहसील को साफ नहीं करेंगे, तो मैं यकीन से कहता हूं कि आपके मोराल इतने डाउन होंगे आप कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा ये 4 पॉइंट का एजेंडा है, लास्ट एजेंडा ये है, ये हमने सर्वे किया है, रिसर्च किया है, रिसर्च करने के बाद ये कंक्लूड किया है कि तहसील कमालिया में कमालिया से 5 किलोमीटर ओनली 5 किलोमीटर मोहम्मद शाह बगले का नाम आपने सुना होगा, वो रानी के साथ है। अगर वहां पे 3 मेगाबाइट आप मशीनें लगा दें 7 मेगाबाइट के, तो आपको ना पूरा साफ, ना सिर्फ आपको पानी फ्री मिलेगा बल्कि आपको बिजली भी फ्री मिलेगी। जब तक हम स्ट्रक्चर चेंजेस नहीं करेंगे, ये तस्तियां लगाने का काम जो है, सोलर का काम जो है, वो नालियां बनाने का काम है, मेरे ख्याल में नहीं है, ना मैं इसके लिए इंटरेस्टेड हूँ।
क्योंकि ये तो काम स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रियासती मशीनरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको ऑटोमेटिक दे आपके लिए, आपको इसके लिए एफर्ट्स करने की कोई जरूरत नहीं है। एफर्ट्स अगर आपने करनी है तो आपने आपने माहौल को बेहतर करना है, आपके इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बेहतर करना है, आपने अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना है। ये आपकी आपकी कारकर्दगी या आपका मशहूर होना चाहिए। जो मौजूदा सियासतदान है हमारी तहसील में वो पिछले 60 साल से 60 साल में आपके लिए कोई चीज़ कंट्रीब्यूट नहीं।